छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा अमरकंटक पहुंचे। उन्होंने सावन के चतुर्थ सोमवार पर अमरकंटक में जलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर प्रांगण में उपस्थित कांवड़ियों शिव भक्तों से भेंट कर शुभकामनाएं उन्होंने दी। इससे पहले रविवार को गृह मंत्री विजय शर्मा ने अमरकंटक के मृत्युंजय आश्रम में कांवरियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था। इसके बाद उन्होंने कांवरियों को स्वयं भोजन परोसा और उनके साथ बैठकर भोजन भी किया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने मंदिर प्रांगण में पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। अरे भैया, उप मुख्यमंत्री ना के नाते नहीं, मैं कांवरिया के नाते यहाँ आया हूँ। और जलेश्वर महादेव जी पुराण उक्त है, पुराण माने पौराणिक प्रतिष्ठा है। ये पूरा क्षेत्र भगवान शंकर का क्षेत्र माना जाता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आ सका, भगवान के चरणों में की झूल सिर पे लगा सका, क्षेत्र में रह सका, नर्मदा मैया की अर्चना कर सका, मेरा सौभाग्य है। क्या मांगा है प्रदेश की खुशहाली? ईश्वर सबका कल्याण करते ही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश दोनों की जनता प्रसन्न रहे, सुखी रहे, राष्ट्रवादी रहे, सनातनी मान बिंदुओं की स्थापना हो, प्रार्थना की है मैंने माँ नर्मदा से भी, भगवान शिव से। वो चिंता न करें, वो ये देखें कि और किसका किसका नाम आया है। जिसका भी नाम होगा, तगड़ी कार्यवाही की जाए। विषय है, मैं सोचता हूँ कि पत्रकारों के साथ अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत हुआ है। आईजी साहब ने भी वहाँ बात की थी और सारी वस्तु स्थिति की जानकारी लेने की कोशिश की थी। अभी मैं भी पता करता हूँ इस विषय पर क्या। हमने छत्तीसगढ़ में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का ब्रांच खोलना प्रारंभ कर लिया है। जगह निर्धारित हो गई, वो भी खोला जा रहा है। यूनिवर्सिटी में कल परसों में बैठक किया था, वहाँ पर रायपुर में जो रविशंकर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी ब्रांचेस के लिए और सीट बढ़ाने, ब्रांच बढ़ाने की बात हुई है। फॉरेंसिक साइंस का यूज़ हर 7 साल से अधिक सजा के लिए किया जाना है, उसकी पूरी तैयारी हम करते हैं। निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है, मैं सोचता हूँ शीघ्र निर्णय आएगा। छत्तीसगढ़ में बहुत स्पष्टता है इस विषय की सरकार के समक्ष कि जिस तरह से भी नशे का एक कड़ी भी पकड़ में आए तो पूरी चैन नस्तनाबूत करनी है। उस पर पूरी तैयारी हो रही है। बॉर्डर एरियाज भी सील किए जाएंगे जहाँ से यह व्यापार होता है। मैं आप लोगों के माध्यम से स्पष्टतः उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो इसमें संलिप्त होंगे कि छोड़ दें, भूल जाएं। वहाँ से सूचनाएं जो आती हैं, मैं उस आधार पर आपसे बता रहा हूँ। ये बहुत स्पष्टता के साथ उनके बीच में आई है बात। जब स्थानीय लोग उनके आईडी ब्लास्ट से मारे जा रहे हैं, अपाहिज हो जा रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा कि किसी युद्ध का में मरने वालों की संख्या आप निकालेंगे उससे ज़्यादा संख्या निकलेगी। जनादालत लगाकर लोगों को मार दिया। अब लोग नहीं चाहते हैं भैया साहब, स्थानीय लोग बिल्कुल नहीं चाहते, फंसे हुए हैं तो उनके साथ हैं, लेकिन किसी तरह षड्यंत्र करके उनको फंसाया गया है, अभी भी रखा गया है। उनके बीच में स्पष्ट तौर पर यह भाव है, उसी भाव का परिणाम है कि उन्होंने अभी एक पत्र निकालकर जो आईडी ब्लास्ट में मृत्यु हुई थी उसमें खेद व्यक्त किया है, उसी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हमारे लोग मर रहे हैं और आप लोग ऐसा कर रहे हैं। सब बाहर के लोग आकर के वहाँ नेता बने फिर रहे हैं। ईश्वर महादेव का उन्नयन नहीं भैया, यहाँ कुछ छोटा कुछ भवन वन बनना है। महादेव महादेव, उनके उन्नयन 18,000 कैदी हैं, 14,000 की क्षमता लगभग है। नए बैरक बनाए जा रहे हैं, नई कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, उस बात पर पूरी चिंता है। सर, ट्रेनों के जरिए गांजा की तस्करी के बड़े चैन हैं? नहीं, गांजा की तस्करी तो विभिन्न माध्यमों से हो रही है। बड़ी कार्यवाही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में छत्तीसगढ़ में होनी होगी। साप्ताहिक छुट्टी का अर्थ ये है कि कुल संख्या किसी थाने में बटे 7 इतने लोगों को नहीं रखना, लगभग उतने ही और नहीं रहते हैं, इसलिए थोड़ी इसमें दिक्कत आती है। नई भर्तियां 7,000 लोगों की लगभग हो रही है, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि और नॉर्मलाइज होगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही में नवीन थाने खोलने की जो है सरकार के द्वारा, पिछली सरकार के द्वारा पहल की गई थी, जिसका प्रस्ताव भी शासन, मैं इसकी समीक्षा कर लेता हूँ जो आप ध्यान दे रहे हैं उस पर आगे काम। महिला विवेचक नहीं है इस थाने में, जबकि महिला अपराध बढ़ रहे हैं इस जिले में। महिला सरकार की घोषणा है हर जिले में महिला थाना प्रारंभ करने की, वैसे महिला सेल है। और विवेचक की बात आप स्पेशली कह रहे हैं, मैं पता करता हूँ।